हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इंडिया के अंदर मॉस्किटो वैसे तो 12 महीने मिलते हैं, लेकिन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना ऐसा है जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया के मॉस्किटो पैदा होते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग जो बीमार पड़ते हैं डेंगू से वो इसी मंथ में पड़ते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपनी फैमिली को सेव करना, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं, और उसको यूज़ कैसे करना है वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें, और वैसे भी इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियो मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पेस्टिसाइड का नाम है आइकोन सीएस, जिसका अगर आप एक बार स्प्रे कर दें अपने घर के अंदर तो 6 से 7 महीने तक एक भी मच्छर आपको अपने घर के अंदर नजर नहीं आएगा। ये आइकोन 10 सीएस की 500 ml की बोतल है। इस पेस्टिसाइड को सिजेंटा कंपनी बनाती है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और बहुत ही जाना माना नाम है। आइकोन 10 सीएस के अंदर लैम्डा साई हेलोथ्रीन पेस्टिसाइड कैप्सूल फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट के अंदर ये जल्दी से खराब नहीं होता है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है। एक सिंगल स्प्रे करने के बाद सरफेस के ऊपर 6-7 महीने तक ये टिका रहता है, यानी 6-7 महीने तक आपको अपने घर के अंदर मॉस्किटो नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब बात आती है प्रोडक्ट आपको मिलेगा कहाँ से। ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है, वहां जाके इसके करंट रेट आप चेक कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है और यूज करते टाइम क्या क्या सावधानी आपको लेनी है, इसके लिए मैं आपको अपनी एक साइट पर लेकर चलता हूँ, वहां आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको यूज करना और क्या सावधानी लेनी है। चलिए दोस्तों, वहां चलते हैं। इस कंपनी के अंदर आज हम लोग मॉस्किटो ट्रीटमेंट करने वाले हैं और यहाँ पर हम आइकोन 10 सीएस यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन रेडी कर लेते हैं, पानी के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस पेस्टिसाइड को यूज़ करते टाइम मास्क जरूर लगाएं और फैमिली को 2 घंटे के लिए घर से बाहर भेज दें शॉपिंग करने के लिए, और आप घर के अंदर इस पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। स्प्रे करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने घर के जितने भी एंट्री गेट हैं या बालकोनी के गेट हैं, उनके दोनों तरफ दीवारों पर अच्छी तरीके से पेस्टिसाइड का स्प्रे करना जरूरी है, क्योंकि मच्छर जब भी घर के अंदर घुसते हैं वो पहले घर के बाहर की दीवारों पर आके बैठ जाते हैं, और जैसे ही उनको घर के अंदर घुसने का मौका मिलता है वो अंदर आके घुस जाते हैं। तो जैसे ही आप इस पेस्टिसाइड का स्प्रे घर के बाहर की दीवारों पर और अंदर की दीवारों पर करते हैं, तो मच्छर आके वहाँ बैठेगा, बैठने के बाद 4-5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर वो मर जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है कि एंट्री गेट के दोनों तरफ, खिड़की दरवाजों के दोनों तरफ आपको अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, दीवारों के ऊपर भी, और जहां से एंट्री ले सकते हैं मॉस्किटो, जो डोर के नीचे का एरिया होता है या कोई खिड़की के बीच का गैप होता है, उन जगहों पर अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। इसके अलावा दोस्तों, मॉस्किटो जब भी घर के अंदर एंट्री लेगा वो अंधेरे वाली जगहों पर जाकर छुपता है, या घर के अंदर जहाँ सीलन रहती है, जैसे बाथरूम की दीवारें हो गई या किचन के सिंक के नीचे का एरिया हो गया, उन जगहों पर जाकर छुप जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दीवारों के ऊपर यूनिफॉर्म में स्प्रे करना है। देखिए इस तरीके से, इस वीडियो को देखिए और समझिए। और साथ ही घर के सारे कोने, बेडों के नीचे का एरिया, बेड हटा के पीछे की दीवार, सोफे के पीछे की दीवार, फ्रिज के नीचे का एरिया, फ्रिज के पीछे की दीवार, इस तरीके से करके जितनी भी जगहें हों उन जगहों पर अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म में इसको स्प्रे कर देना, और फिर इसका आप रिजल्ट देखना, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है कि 6-7 महीने तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने अपने घर के अंदर टेस्ट किया हुआ है, 8 से 10 महीने तक भी मुझे इसने रिजल्ट दिया है। और मैं जितने भी पेस्टिसाइड आपको अपनी वीडियो के अंदर सजेस्ट करता हूँ वो सारे ट्राई एंड टेस्टेड होते हैं, मोस्टली कंपनियों के अंदर या अपने घर के अंदर। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे कस्टमर मेरे से पूछते हैं वो ये है कि क्या इस पेस्टिसाइड का किसी दीवार पर या कहीं पर कोई धब्बा आएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि अगर आपकी वॉल्स या किसी भी सरफेस जहां पर आप इसका स्प्रे करने वाले हैं उसका कलर डार्क है, देन उस केस में थोड़ा वाइट कलर आ जाता है, लेकिन वो वाइट कलर कोई धब्बा नहीं होता। अगर आप चाहें तो उसको कपड़े साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी वॉल्स का कलर थोड़ा डार्क है, देन उस केस में मेरी सलाह यही है कि आप वॉल्स को छोड़ दें, घर के कोने सारे ले लें, और बेड और सोफे के पीछे का एरिया जो दिखाई नहीं देता वहाँ पर स्प्रे करें, क्योंकि ऐसी अंधेरे वाली जगहों पर ही मच्छर बैठ, आपका इस तरह से स्प्रे करना सक्सेसफुल होगा और 90-95% मॉस्किटो आपके घर के अंदर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर सारी दीवारों पर कर दें तो उससे बेस्ट तो कुछ ही नहीं है। और इस पेस्टिसाइड का स्प्रे करते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मास्क जरूर लगाएं दोस्तों। इसका रीज़न ये है कि इस स्प्रे को जब आप करेंगे घर के अंदर तो इसमें छींकें बहुत आती हैं,
तो एक तो आपको छींक नहीं आएगी और दूसरा जो इससे साइड इफेक्ट होना वाला होगा वो भी नहीं होगा। और दो घंटे के अंदर ये पेस्टिसाइड दीवारों के ऊपर सूख जाता है, तो दो घंटे के बाद आप अपनी फैमिली को वापस बुला सकते हैं और अपने घर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, अगर फैमिली में बच्चे छोटे हैं आपके जो कि दीवारों पर इधर उधर टच करते फिरते हैं, तो आप ये कर सकते हैं जो नीचे का 5 फीट का हिस्सा है दीवार का नीचे का, उसको आप छोड़ दें और ऊपर के हिस्से पे आप इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर बच्चे दीवार छू भी रहे हैं आपके तो उनकी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुँचेगा। और साथ ही स्प्रे करने से पहले खाने पीने की चीज़ों को पानी को अच्छे से ढक दें, सोफों को और बेड को कवर कर दें, जिससे कि जब स्प्रे करें तो स्प्रे की छींटे आपके बेड या सोफे पे ना जाए। मॉस्किटो के अलावा दोस्तों ये पेस्टिसाइड किसी भी तरह की चींटी, चींटियाँ, कॉकरोच, मक्खी वगैरह पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपके पास गमले हैं, गमलों पे इस तरह की चीज़ें की प्रॉब्लम आती है, तो आप उनके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी पौधे को ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और साथ ही जिन दीवारों के साथ आप गमले रखते हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, उन दीवारों पर भी कर दें स्प्रे। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मच्छर वहाँ बैठ रहा है, मक्खी या कोई और इंसेक्ट्स वहाँ आ रहा है, तो वो भी इमिडिएटली वहाँ पर मर जाएगा। दोस्तों वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने का। दोस्तों इस पेस्टिसाइड का अमेज़ॉन लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसके करंट रेट चेक कर सकते हैं और अपने घर के अंदर इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अगर किसी दोस्त को इस पेस्टिसाइड की ज़रूरत हो आपके, तो अपने घर के अंदर वो इस तरह से इस्तेमाल कर सके। ये एक ऐसा इकलौता पेस्टिसाइड है जिसका रिजल्ट आपको 6-7 महीने तक मिलेगा और ये सभी तरह के मच्छरों को जड़ से ख़त्म कर देता है और आपकी फैमिली डेंगू मलेरिया जैसे मॉस्किटो से सेफ रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।